महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की पहली सूची। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को टिकट। संजय राउत ने 22 उम्मीदवारों में 17 उम्मीदवारों का नाम किया ट्वीट। अनिल देसाई को साउथ सेंट्रल से टिकट का जिक्र। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उद्धव ठाकरे ने अमोल कार्तिकर को दिया टिकट। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट कटने पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम नाराज। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं बड़े फैसले का ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दाखिल करेंगे नागपुर में नामांकन पर्चा भरने से पहले किया भव्य रोड शो। आज रैली भी करेंगे गडकरी। यूपी के मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर असमंजस। कल सांसद एसटी हसन ने भरा था पर्चा। रुचि वीरा को नया उम्मीदवार बनाए जाने से हलचल। यूपी की रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का दिख सकता है नया चेहरा। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश रामपुर से मौलाना महीबुल्ला नदवी को बना सकते हैं उम्मीदवार। यूपी के शामली से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी किरासन का बयान। बीजेपी 400 पार हो गई तो संविधान से करेगी छेड़छाड़। मुसलमान हो जाएंगे दोयम दर्जे के नागरिक। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने उत्तराखंड से किया 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। ममता बनर्जी चोट लगने के बाद फिर से अपना प्रचार अभियान करेंगी शुरू। 31 मार्च को कृष्णानगर दक्षिण क्षेत्र में विधान जनसभा को करेंगी संबोधन। बीजेपी नेता दिलीप घोष ममता पर विवादित बयान का उन्होंने किया बचाव। कहा शुभेंदु के पिता पर जब होती है गलत बयानबाजी तो क्यों नहीं उठता सवाल। ममता के जिक्र पर खेला हो जाने का महिला का। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर की अभद्र टिप्पणी। ईसीआई से शिकायत करेगी तृणमूल कांग्रेस। दिल्ली में नड्डा से कंगना ने की मुलाकात। बीजेपी ने चुनाव आयोग से सुप्रिया श्रीनेत की शिकायत। बीजेपी के 6 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद लाहौल स्पीति में पूर्व मंत्री रामलाल कांडा ने की बगावत। पंजाब में बीजेपी का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। अकाली दल के साथ नहीं बनी सीटों पर बात। सभी 13 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन। बिहार में होली के चलते गुरुवार तक बढ़ाया गया था नामांकन। गुजरात की 6 लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवारों का हो रहा है विरोध। दूसरी तरफ लखनऊ में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के 6 लोकसभा प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ से 4 और तमिलनाडु से 1 उम्मीदवार का ऐलान। छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से बिनका देवी सिंह को मिला टिकट। बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव, कांकेर से ब्रजेश ठाकुर को पार्टी ने मैदान में उतारा। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से करेंगे चुनावी सभा की शुरुआत। 30 मार्च की रैली में जयंत चौधरी भी होंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बन सकता है नया गठबंधन। स्वामी प्रसाद मौर्य कर सकते हैं इस गठबंधन की अगुवाई। गठबंधन से जुड़ सकती है ओवैसी की पार्टी। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में एआईएमआईएम, पीस पार्टी, आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन का इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान। लोकसभा चुनाव के पहले 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी आप कांग्रेस की पहली संयुक्त रैली।